सो इफ यू ऑब्जर्व, इसी टाइप से हम इसको भी लिख सकते हैं, तो वो आ जाएगा अगले स्टेप में, 2 + 1/x = x। ओके, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो x से, 2x + 1, या तो आप ऐसे बोलो मल्टीप्लाई बाय x ऑन बोथ साइड, सो 2 × x, यहाँ x कैंसल होगा और x × x, x square, तो क्या मिलेगा, x² - 2x - 1 = 0। अभी आपको समझ में आ गया होगा। अगला आप खुद सॉल्व कर लेना, या तो अभी सॉल्व करके बताता हूँ, आप डायरेक्टली अभी -b + -2 √(b² - -+4)√6 आएगा, ये b² - 8 आएगा upon 2a, और ये आ जाएगा 2√2, सॉरी +2, 2 + -2√2/2, 2 कॉमन लिया तो कैंसल होगा, इन ब्रैकेट 1 + -√2/2, 2 कैंसल, 1 + -√2, ऑप्शन ए इज करेक्ट। सॉरी, ए तो 2 + something है ना, 2 + 1/something है ना, तो 2 से ज्यादा, 2 में हम एक्स्ट्रा कुछ ऐड कर रहे हैं ना, तो इसका आंसर क्या आएगा, अभी 2 से ज्यादा आना चाहिए, तो √2 = 1.414, तो 1 + √2 ही आएगा, 1 - √2 नहीं आएगा। यहाँ आंसर 2 आए, एक 1 + √2 आया और एक 1 - √2 आया, लेकिन ये आप देखेंगे पूरा एक्सप्रेशन, ये 2 + 1/something है, 2 से ज्यादा ही आना चाहिए, तो 1 + √2 जो है वो 2 से ज्यादा आएगा, क्योंकि ये 1 है और √2 मतलब आपको पता है 1.414…, तो ये 2 point something आएगा, तो 1 + √2 ही फाइनल आंसर आएगा। निगेटिव आपको समझ में आया होगा कि नहीं ले सकते। ओके, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट, 13 के ऑप्शन करेक्ट नहीं है, आर्यन बोल रहा था। यहाँ स्ट्रेट हमें, अच्छा ये शॉर्टकट जिनको पता नहीं है उनको मैं बताता हूँ, लेकिन पहले यहाँ पे 4x² - 3x + 2, 4x² - 3x + 2, सच में ऑप्शन ही नहीं है, 4x², या क्या हो जाता है यहाँ पे, ए और सी अपना जगह बदल लेता है, मतलब ए जो है वो सी बन जाएगा, जब रेसिप्रोकल रहते हैं ऐसे रूट्स, ओरिजिनल रूट्स अल्फा बीटा है, और रूट्स अगर रेसिप्रोकल होते हैं तो ये 4 और 2 अपना जगह बदलेंगे, ए 4 बनेगा और सी का वैल्यू 2 बनेगा, तो आंसर आना चाहिए 4x² - 3x + 2, 4x² तो कहीं पे नहीं है। चलो, तो इसका आप बोनस ले लो, सब लोग अपने 5 मार्क बढ़ाओ। इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिया है, मुझे आंसर की भी देखना पड़ेगा, स्टैंडर्ड 10। थर्टीन का ए बताया था, बाय मिस्टेक अगर आपने ए लिखा तो वो तो करेक्ट आ गया होगा। अच्छा, इसके रूट्स निकाल के देखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 13, 2x² - 3x + 4 = 0, 8 के ऐसे दो फैक्टर जिनका एडिशन सब्ट्रैक्शन -3 है, पॉसिबल नहीं है, फोर टू जा 8, लेकिन -3 नहीं आएगा, 8 1 जा नहीं है, पॉसिबल नहीं है, तो फिर फॉर्मूला मेथड से ही सॉल्व करना पड़ेगा। x = 3 + −√(b² - 3² = 9, माइनस ओ
अच्छा डी डेल्टा नेगेटिव आ रहा है, ठीक है कोई प्रॉब्लम तो नहीं वैसे। माइनस थ्री स्क्वेयर माइनस, इक्वेशन क्या है, टू एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री एक्स प्लस फोर, बी स्क्वेयर माइनस थ्री का स्क्वेयर नाइन, माइनस फोर इंटू ए सी, फोर टू जा एट, फोर जा 32, करेक्ट नेगेटिव आ रहा है, अपॉन टू टू जा फोर। वैसे भी इसका आंसर नेगेटिव आएगा, तो 32 माइनस 9 23, अंडर रूट माइनस 23 अपॉन 4। कोई प्रॉब्लम नहीं, ये नॉन रियल रूट्स आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब अल्फा का वैल्यू आया माइनस 3 प्लस अंडर रूट ऑफ माइनस 23 अपॉन 4, और बीटा का वैल्यू आया माइनस 3 माइनस अंडर रूट ऑफ नेगेटिव 23 अपॉन 4। अभी 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा ऐसे रूट आने वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा रहेगा? तो इसका एक एग्जांपल देता हूँ पहले, ये डेल्टा लेस देन जीरो, इसके लिए आप सब लोग बोनस ले लो, मतलब आपका अगर गलत हुआ तो आप प्लस 5 मार्क्स आपके बढ़ा सकते हैं। मैं वो सर को बोलूंगा, दीपक सर को, और अगर आपका वो करेक्ट आया है तो आपको तो करेक्ट प्लस 4 मार्क्स तो मिले ही होंगे, तो फिर कोई टेंशन ही नहीं, गलत आया तो प्लस 5 मार्क्स बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। ये एक कंसेप्ट है, आप सब लोग पहले यहाँ पे ध्यान दो, अगर मुझे ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 फॉर एग्जाम्पल, देखो इसको कंसेप्चुअली हम कैसे सॉल्व कर सकते थे वो मैं बता रहा हूँ, चाहे तो अभी पहले इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसके रूट्स है अल्फा बीटा, नाउ हमें ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा होने चाहिए, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू जीरो, मतलब हमें एस का वैल्यू लेना पड़ेगा 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, ऐसे सॉल्व करना है इसको। सो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा, सम ऑफ द रूट्स यहाँ पे आएगा 3/2, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 4/2, 4/2 मतलब 2, ये 3/4 आएगा, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 1 बाय अल्फा इंटू 1 बाय बीटा, मतलब 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आएगा सी बाई ए 4/2, 2 नीचे 2 आएगा, तो ये 1/2 आया वैल्यू, अभी यहाँ डाल दो तो फाइनल आंसर ये ऐसे आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम मिला 3/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट का वैल्यू मिला 1/2, ऐसे इसको कंसेप्चुअली सॉल्व करना है, सॉरी ये ऐसे मत सॉल्व करो, लाइक दैट वी हैड सॉल्व इन द वर्कशीट ऑल्सो, वर्कशीट के ऐसे ही हमने सॉल्व किए थे। अभी ये इक्वेशन मिला, 4 से मल्टीप्लाई करो तो आएगा 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और अभी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ एक शॉर्टकट जैसा हो गया, अभी एक शॉर्टकट जो मैंने बोला क्या हुआ कि ओरिजिनल इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा थे, और जो इक्वेशन हमें चाहिए उसके रूट्स 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा है, तो जब हम रूट्स के रेसिप्रोकल लेते हैं तो ए और सी अपना पोजिशन चेंज करता है। देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट एक्चुअली 4 आया, जो कि कांस्टेंट टर्म का वैल्यू था गिवन क्वाड्रेटिक में, और ये 2 और 4 एक्सचेंज हो गए, बीच वाला एज इट इज रहने देना है, तो ये होना चाहिए था। थैंक यू आर्यन फॉर टेलिंग। तो जिनका करेक्ट आया उनको प्लस 4 तो मिले ही हैं, जिनको इनकरेक्ट दिया गया वो बोनस ले लो, क्योंकि ऑप्शन में आंसर ही नहीं था। तो ये वर्कशीट में इस मेथड से हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट, इसके अलावा और कुछ डाउट है? बाकी के तो बिल्कुल एज इट इज कंसेप्ट वाइज थे, थोड़ा सा ये मैंने आपको सोचने वाला डाला था, बाकी के एज इट इज है, ठीक है। So shall we proceed to basic inequalities? इसके अलावा कोई डाउट है क्या? प्रोसीड करें क्या बेसिक इनइक्वालिटीज को?
चलो क्वेश्चन नंबर फोर में फाइव में आपने एक बार बताया था ना वो फॉर्मूला, एक बार बताओ ना वो ए प्लस बी प्लस सी अगर बन रहा वो वाला। अच्छा 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 वो क्वेश्चन फाइव वाला कंसेप्ट। हाँ वो शॉर्टकट है, जैसे ये भी एक शॉर्टकट हो गया, ये याद रखना है आपको कंसेप्चुअली। अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा है और हमें दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है जिसके रूट्स वन अपॉन अल्फा वन अपॉन बीटा है, तो बस ये ए और सी को एक्सचेंज कर लो, बी बीच में एज इट इज रहेगा। वैसे फिफ्थ क्वेश्चन में भी शॉर्टकट का यूज होता है। वो क्या है, द रूट ऑफ इक्वेशंस, रूट्स ऑफ इक्वेशंस आर, इसके रूट्स हमें फाइंड करने हैं। तो ये थोड़े से डिफिकल्ट वैल्यूज है क्योंकि ए बी सी में है, सब्ट्रैक्शन है। आप अगर रूट्स फाइंड करते बैठेंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा, और फॉर्मूला मेथड से भी सॉल्व करेंगे तो फिर भी एक्चुअली डिफिकल्ट होगा। तो यहाँ पे ए माइनस बी एक्स स्क्वायर, मैंने यहाँ पे एक कंसेप्ट बताया था कि प्लस सी माइनस ए इक्वल टू जीरो। एक कंसेप्ट ऐसा बताया था कि अगर समझो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा है, कैपिटल वाले ले लिए मैंने सारे ए बी सी, और तीनों का एडिशन अगर जीरो आता है, तीनों मतलब क्या, कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट, ऐसा अगर होता है, इफ दिस इज द केस, देन फर्स्ट रूट जो है एक रूट आएगा वन, वो फिक्स है, वो वन ही आता है, और सेकंड रूट जो है, आप चाहे तो इसको अल्फा बोलो, और सेकंड रूट जो है वो हमेशा आएगा कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर सी बाई ए, वैसे आता है। तो यहाँ आप चेक करके देख सकते हैं, पहला एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए माइनस बी है, एक्स का कोएफिशिएंट बी माइनस सी है, और कांस्टेंट सी माइनस ए है, ये सारे कैंसिल हो जाते हैं, ए माइनस ए जीरो, बी माइनस बी जीरो, सी माइनस सी जीरो, मतलब तीनों कोएफिशिएंट का सम जीरो आया। तो फिर डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट रूट जो है वो वन आएगा, और सेकंड रूट जो है वो कांस्टेंट, कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट पूरा है सी माइनस ए अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ए माइनस बी। ओके, आपको मैंने एग्जांपल के साथ ये बताया था। आपका नाम क्या है बेटा, रियलमी फाइव लिखा है लेकिन नाम बोलो वहां पे, और समझ में नहीं आया तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कौन सा सॉल्यूशन समझ में नहीं आया वो भी लिखो चैट में, कौन सा, ये पांचवा या उससे पहले वाला। अच्छा विशाल, कौन से नंबर का सॉल्यूशन नहीं समझा, कि कुछ भी नहीं समझा? वैसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप मुझे क्या करना, क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप पे मुझे, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, आप अच्छे रेंज में बैठो, और मैं क्या करूंगा इसका रिकॉर्डिंग आपको भेज दूंगा। आवाज सुनाई नहीं दे रहा बेटा, विशाल टेंशन मत लो, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ओके, देखो इस फिफ्थ क्वेश्चन में मैंने क्या बताया कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और उसके तीनों कोएफिशिएंट का एडिशन जीरो आता है, तो स्ट्रेट ये डायरेक्ट कंसेप्ट है कि इसके दो रूट ऐसे आते हैं, पहला रूट वन आता है और दूसरा रूट कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आता है सी अपॉन ई। वैसे यहाँ पे भी आप देखेंगे कि तीनों कोएफिशिएंट का एडिशन जीरो आ रहा है, इसका मतलब पहला रूट वन आएगा और दूसरा रूट कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट पूरा सी माइनस ए है और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए माइनस बी है। तो इसका मैंने एग्जांपल भी दिया था, देखो समझो फॉर एग्जांपल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अभी ये तीनों कोएफिशिएंट है, एक 2 माइनस 3 प्लस 1, 0 आ रहा है सम। तो एक रूट अल्फा 1 आना चाहिए, दूसरा रूट बीटा जो है वो c अपॉन a, मतलब
वन अपॉन टू आना ही चाहिए, आप क्रॉस चेक करके देख सकते हैं। ओके तो क्रॉस चेक करेंगे तो यहाँ टू के फैक्टर जिनका एडिशन सब्ट्रैक्शन माइनस थ्री है, माइनस टू माइनस वन आएगा, और फिर आप सिंप्लीफाई करो इसको, माइनस एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, एक्स इन ब्रैकेट एक्स माइनस वन माइनस एक्स कॉमन लिया तो सॉरी टू एक्स माइनस वन, और यहाँ माइनस साइन कॉमन लिया तो टू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वन दूसरे ब्रैकेट में टू एक्स माइनस वन, तो एक्स इक्वल टू वन और एक्स इक्वल टू वन बाई टू। देखो ये आए, मतलब ये यही कंसेप्ट है कि जिसमें तीनों कोएफिशिएंट का सम जीरो आता है तब एक रूट वन आएगा, दूसरा रूट सी अपॉन ई आएगा। ओके ऑल राइट, विशाल ने क्वेश्चन टू पूछा, समझ में आया अनिरुद्ध? हाँ सर अब समझ गया, वो याद नहीं आ रहा था। ठीक है ठीक है, शॉर्टकट याद रखो। क्वेश्चन नंबर टू पूछा विशाल ने। ओके दिस इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स कब आते हैं? जब डेल्टा डिस्क्रिमिनेंट जीरो रहता है, तो आपको डिस्क्रिमिनेंट जीरो लेना है और वहां से आपको m का वैल्यू फाइंड करना है। लेकिन यहाँ पे पहले इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ m इन ब्रैकेट टू एक्स माइनस एट ऐसा दिया है, आपको x का कोएफिशिएंट अलग निकालना है और कांस्टेंट टर्म अलग निकालना है। मोस्टली आपका क्या हुआ होगा कि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो लेते वक्त आपने बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी गलत लिया, ए बी सी के वैल्यूज ही गलत हो गए होंगे। तो क्वेश्चन टू में देखो एक्स स्क्वायर माइनस यम इन ब्रैकेट टू एक्स माइनस एट माइनस फिफ्टीन इक्वल टू जीरो ऐसा क्वेश्चन है। अभी पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो इस फॉर्मेट में। तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एम एक्स माइनस माइनस प्लस एट एम माइनस फिफ्टीन इक्वल टू जीरो। अभी देखो a का वैल्यू रहेगा 1, b का वैल्यू रहेगा माइनस टू एम और c का वैल्यू रहेगा 8m एम माइनस फिफ्टीन। एंड सिंस द रूट्स आर इक्वल देयरफॉर वी से डिस्क्रिमिनेंट विल बी जीरो, दैट इज बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। मोस्टली आपके ए बी सी के वैल्यूज ही गलत हुए होंगे क्योंकि आपने सिंप्लीफाई नहीं किया होगा इसे। तो याद रखो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि x ब्रैकेट के अंदर दिया रहता है, तो आपको एबीसी के वैल्यूज मतलब वो फिक्स है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज बी एंड रिमेनिंग एवरीथिंग इज सी कांस्टेंट। ओके नाउ वी कैन फर्दर सिंप्लीफाई, माइनस टू का स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन इंटू एट एम माइनस फिफ्टीन माइनस टू एम का स्क्वायर सॉरी बी स्क्वायर, तो ये फोर एम स्क्वायर आएगा माइनस फोर इन ब्रैकेट 8m माइनस 15 इक्वल टू जीरो, फोर से डिवाइड कर लो, m स्क्वायर माइनस 8m प्लस 15 इक्वल टू जीरो, 15 के फैक्टर 5 थ्री आएंगे तो m के वैल्यू 3 और 5 आ जाएंगे। ये दोनों निगेटिव नहीं, हाँ बराबर, m के वैल्यू 3 5 आ जाएंगे। ओके आई होप दिस इज क्लियर। ऑल राइट तो चलो सब लोग आप 13 क्वेश्चन को बोनस ले लो यार, क्या आई एम वेरी सॉरी। निनाद इज आस्किंग क्वेश्चन नंबर 10। यस दिस वाज थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का था, ये थोड़ा सा ज्यादा नहीं, मैं सोच रहा था कोई ना कोई पूछना चाहिए था इसको। तो इफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर देन द वैल्यू ऑफ के विल बी, तो एक रूट समझो फॉर एग्जांपल अगर 4 है तो दूसरा रूट 1 अपॉन 4 ऐसा आएगा। तो ऐसा अगर आपने लिया तो आपको k का वैल्यू फाइंड करना है। सो इसीलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आपको वेरिएबल्स अच्छे से यूज करने हैं।
टू के प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन के प्लस थ्री इंटू एक्स और कांस्टेंट टर्म है के प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। देखो अभी एक रूट हम लेंगे अल्फा, दूसरा रूट लेंगे वन अपॉन अल्फा, ऐसे लेना है। ऐसे अगर लेंगे तो तुरंत आंसर आ जाएगा। एक्चुअली इसके रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो एक रूट अल्फा लिया तो दूसरा वन अपॉन अल्फा आएगा। ओके आर रेसिप्रोकल टू इच अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अभी के एक ही अननोन है, एक अननोन फाइंड करने के लिए हमें एक कम से कम एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो वो इक्वेशन बनाने के लिए हमारे पास दो तीन ऑप्शन है। अभी आप चाहे तो ले सकते हैं सम ऑफ द रूट्स। तो सम ऑफ द रूट्स अगर लिया ऐसे तो अल्फा प्लस वन अपॉन अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस बी बाय ए। तो ए पॉजिटिव सेवन के प्लस थ्री अपॉन ए का वैल्यू टू के प्लस वन। बाद में प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अगर लेंगे अल्फा इंटू वन अपॉन अल्फा तो वो आ जाएगा सी अपॉन ए, दैट इज के प्लस टू अपॉन टू के प्लस वन। यहाँ अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाता है और यहाँ से के का वैल्यू मिल जाएगा। मतलब सम से हमें के का वैल्यू नहीं मिल रहा है क्योंकि यहाँ अल्फा कैंसिल नहीं हो रहा था, यहाँ स्ट्रेट कैंसिल हो गया। अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो टू के क्रॉस मल्टीप्लाई करो, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में वन है तो ये टू के प्लस वन इज इक्वल टू के प्लस टू आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, टू के माइनस के और टू माइनस वन वन ऐसे आएगा। ओके इसीलिए इसका यूज किया करो, आपको वेरिएबल के साथ खेलने आना चाहिए। एक रूट अल्फा तो दूसरा वन बाय अल्फा ऐसे। बस ये प्रोडक्ट से ही हमें डायरेक्ट के का आंसर मिल गया। ओके ऑल राइट क्लियर। मैंने थोड़ा आज क्लास लेट शुरू किया, तीन चार मिनट ही बचे हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन, ठीक है अच्छा है, जितने डाउट होंगे उतना। सेवन मैंने बताया तो एक बार विशाल के लिए रिवाइज कर लेते हैं। सर एक बार टेंथ का सॉल्यूशन बताना वापस से। टेंथ का क्या? देखो टेंथ में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स जो है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा वन अपॉन अल्फा आएगा। ओके ऐसे मैंने लिया खुद। हाँ सर। और फिर जब आप प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लेंगे तो ये अल्फा इंटू वन अपॉन अल्फा आएगा, तो अल्फा अल्फा कैंसिल होगा और प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी बाय ए आ जाएगा। सी मतलब के प्लस टू और ए मतलब टू के प्लस वन। बस यहाँ से आपको के का वैल्यू मिल गया। ओके क्वेश्चन नंबर, ये जो सेवंथ है ना बेटा, यही पे बता देता हूँ, इसको आप ऐसा लिखो, इसके जैसा ही है ये। इसको आप कैसे लिखते हैं, अंडर रूट सिक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स, इसको अगर हमने एक्स अज्यूम किया तो वैसे ही इसको एक्स अज्यूम करो। इसी टाइप का है ये, थोड़ा सा सोचने वाला दिया क्योंकि मैंने जैसे बोला था कि तीन चार चार पांच क्वेश्चन थोड़े हाई लेवल के डालूंगा। तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं, टू प्लस वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन टू प्लस ऐसा है, तो ये सारा x है तो इतना जो पार्ट है 2 प्लस वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन, इसके जगह आप x रख सकते हैं। सो 2 प्लस वन बाय x इज इक्वल टू x। तो यहाँ x से मल्टीप्लाई करो, 2x प्लस वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। इसके दो रूट्स आएंगे, x इज इक्वल टू वन प्लस माइनस रूट टू, आप सॉल्व करके देखो और इसका आंसर आएगा वन प्लस रूट टू। क्योंकि यहाँ जो आंसर, यहाँ जो वैल्यू पूछा गया है वो टू प्लस वन अपॉन समथिंग का है, तो वो वैल्यू टू से ज्यादा आना चाहिए। और वन माइनस रूट टू अगर हमने लिया इसमें से तो वो टू से ज्यादा नहीं आ सकता, वन माइनस रूट टू वाला, तो वो हम डिस्कार्ड करते हैं और वन प्लस रूट टू ही आंसर आएगा, दैट इज ऑप्शन बी। और वन प्लस रूट टू देख सकते हैं आप, टू से बड़ा है, वन का वैल्यू वन और रूट टू का वैल्यू 1.414 समथिंग, तो ये 2.414 समथिंग मतलब 2 से बड़ा ही है। तो ये आप देख सकते हैं 2 प्लस समथिंग इन फ्रैक्शन, तो 2 पॉइंट समथिंग ऐसे आंसर आता है। ऑफ कोर्स वो आंसर 1 प्लस रूट 2 आएगा। ओके
Ninad is asking worksheet 1, question number 14. अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि कम से कम बाबा वर्कशीट के क्वेश्चन आ रहे, नहीं तो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट बहुत बार रीजन यही देते हैं कि सर हमें बहुत सारा बोर्ड का पढ़ाई है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। विशाल मुझे अभी व्हाट्सएप करके रखो तो मैं आपको भेज दूंगा इस वीडियो का रिकॉर्डिंग, ठीक है? अभी व्हाट्सएप करके रखो, नहीं तो मैं क्या करता हूँ, देखता हूँ किसी ने मुझे पूछा है क्या, तभी भेजता हूँ, नहीं तो नहीं भेजता। 14 क्वेश्चन ऐसे ही है बेटा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर दिया। देखो इतना वाला पार्ट सेपरेटली सॉल्व करो आप, ओके? इतना वाले पार्ट को आप वाई बोलो, जो सॉरी अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस जो भी है इसको y बोलो, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 प्लस y इज इक्वल टू y। इस सारे बाकी के इसके जगह आप y रख सकते हैं, ओके? ये आपको पता है ना, हमने x करके सॉल्व किया था, लेकिन इन्होंने इसको पूरे एक्सप्रेशन को x बोला है। अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको पता ही है y का वैल्यू 2 आता है, सिंप्लीफाई किया हुआ हमने बहुत बार। और ये y का वैल्यू जो 2 है, y मतलब क्या, ये पूरा जिसके जगह हमने y डाला, ये जो है इतना, और x है 2 प्लस दिस सर्कल, सर्कल में y डाला था हमने और y का वैल्यू हमें मिलता है 2, सो 2 प्लस 2 आंसर इज 4, ओके? दैट इज ऑप्शन सेकंड, ऐसे आएगा वो। अभी ये कैसे सॉल्व किया ये समझ में आया ना निनाद? ठीक है ना, सॉल्यूशन में क्या आपको उससे कोई लेना। अच्छा सॉल्यूशन अगर नहीं समझ में आया पीछे वाला तो उन्होंने कैसे सॉल्व किया वो भी देख के बता देता हूँ मैं, लेकिन ये आपको समझ में आया होगा, ये बहुत ही आसान था, ओके? पीछे वाला सॉल्यूशन नहीं समझ में आया इसलिए पूछा। ओके ओके, उन्होंने एक्चुअली ठीक है, इसके लिए आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए एक्चुअली वो, ठीक है? अभी जैसे मैंने बताया वैसे ही समझ लो। वो रूट एक्स क्यों आया वो बताता हूँ। एक्चुअली क्या है ना, इसका वैल्यू उन्होंने रूट एक्स लिया, क्यों ऐसे क्यों आप देख सकते हैं, डायरेक्टली देख के ही समझ में आ जाता है यहाँ पे कि अगर मैंने दोनों साइड स्क्वायर रूट लिया इस इक्वेशन में, दोनों साइड स्क्वायर रूट लिया तो मुझे रूट एक्स का वैल्यू मिलेगा अंडर रूट ऑफ, ये सब कुछ अंडर रूट में चला जाएगा, ओके? और ये तो अप टू इन्फिनिटी तक है, तो ये सब कुछ क्या है, रूट एक्स है। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, फिर यहाँ पे अभी ये रूट में हटा देता हूं, तो इतना वाला जो पार्ट है वो एक्चुअली रूट एक्स है, तो इसीलिए इसके जगह उन्होंने रूट एक्स डाल दिया, एक्स प्लस टू प्लस रूट एक्स। समझ में आया अभी? तो दोनों साइड स्क्वायर रूट लेके देखेंगे तो इतना जो पार्ट है वो रूट एक्स है। इज इट क्लियर निनाद? समझा कि नहीं, यस और नो? एक्स स्क्वायर रूट, हाँ हाँ बोले कि ना बोले? हाँ बोला सर, हाँ। ओके ओके, ठीक है, शैल वी स्टॉप हियर टुडे? ओके सर। ओके बाय, नेक्स्ट लेक्चर आपका शुरू हुआ है, सो थैंक यू ऑल, अच्छे से अभी अगले टेस्ट में अच्छे मार्क लाओ और एक्स्ट्रा मार्क्स बोनस वाला भी काउंट करो। थैंक यू, बाय।